क्या इन्होंने हमको मारना शुरू किया, पहले गाली दी बद्दी बद्दी, फिर मारना शुरू किया, हम अपना बचाव करे, फिर हमको पकड़ के ले गए थाने, फिर वहाँ पे हमको बहुत मारा। हमने घर में फ़ोन बोला कि घर पे वो बताइए, घर पे बताइए, घर पे फ़ोन भी कर रहे थे, हमें करियर बर्बाद करने, ड्रग्स वगैरह का केस लगाने की बात कर रहे थे हमारे ऊपर। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये इन्होंने देखा कि बच्चे दोनों अंदर बैठे हैं, और उससे पहले जब हमने ये बात जब आपसे उनसे बोली कि आप बच्चों का बता देते हमें, तो उन्होंने कहा पहले हम 2-2.5 घंटे अपना तो पहले देख लेते, मतलब आप ये देख क्या लेते, आप बच्चों को इन्फॉर्म तो हम आप आपको कर सकते हैं ना कि बच्चे आपके थाने में हैं। हमने देखा मैं क्या वगैरह से और हमको ने पूछा तो कह रहे उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया। सर आपको ये लगता है बच्चे हाथ उठा सकते हैं पुलिस वालों के ऊपर? उत्तर प्रदेश में हर जगह पुलिस के डंका पीटने की बात कही जाती है और पुलिस के वाहवाही में कसीदे कढ़े जाते हैं कि पुलिस अपराधियों पर बहुत ढंग से कार्रवाई करती है। सही भी बात है, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भू माफिया हैं, बड़े माफिया हैं, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलना भी जायज़ है, हर जनता उसकी वाहवाही करती है, हम भी करते हैं। लेकिन कानपुर पुलिस में सिर्फ गाड़ी लड़ने पे एक पुलिसकर्मियों ने 2 पढ़ने वाले छात्रों के साथ जिस तरह की बर्बरता दिखाई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं अपनी माँ के साथ मिलने, दोनों बच्चे, जरा ये बच्चा देखिए, ये पढ़ने वाला लड़का है, ये दिखा रहा अपनी चोट। आप पहले इसके काले निशानों को देखिए, इन निशानों की पहचान करिए, पूरा खोलिए, देखिए देखिए, इस देश के भावी छात्र हैं, आगे चल के ये भी पढ़ते, हो सकता है ये भी आगे चल के पुलिस चले जाते, इंजीनियरिंग बनते, लेकिन किस बात के लिए? काले काले निशान देखिए, ये पुलिस के पट्टों के निशान हैं, डंडों के निशान हैं। आप आम हिंदुस्तान वासी जानता होगा पुलिस किस तरह से पिटाई करती है नितंबों पे, और काले पड़ गए हैं ये आए हुए। दूसरा छात्र भी, तुम्हारे भी चोट के निशान है, जरा निशान। अब ये लड़के से पूछ भी लेते हैं आखिर क्यों आया है, क्या मामला है, ये तुम्हारे पास क्या नाम है तुम्हारा, ये चोट के निशान कैसे हैं? मेरा नाम अभिषेक गोयल है, हम बस पिज़्ज़ा लेने जा रहे थे, मेरे भाई का बर्थडे था, हम गाड़ी किनारे कर रहे थे, पीछे से आए भिड़ गए, ये भी गए, हम भी गए, पुलिस वाले थे। ये कहाँ के पुलिस वाले थे? गोविंद नगर थाने के। तो हम गिर गए, फिर उसका इन्होंने हमको मारना शुरू किया, पहले गाली दी बद्दी बद्दी, फिर मारना शुरू किया, हमने अपना बचाव करे, फिर हमको पकड़ के ले गए थाने, फिर वहाँ पे हमको बहुत मारा। हमने घर में फ़ोन बोला कि घर पे वो बताइए, घर पे बताइए, घर पे फ़ोन भी कर रहे थे, हमें करियर बर्बाद करने, ड्रग्स वगैरह का केस लगाने की बात कर रहे थे हमारे ऊपर। क्या हुआ इसके बाद, तुमको जेल भेज दिया क्या? हमको वहीं लॉकअप में डाल दिया था और हमको धमकी दिया था कि रात में हमको और मारेंगे। एक दूसरे छात्र भी हैं, क्या करते हैं आप भी बताइए, क्या हुआ था? नमन आ रहा भी, हम लोग रास्ते से जा रहे थे हॉट पे, हम उसके लिए इसके भाई के लिए लेने के लिए, तो हुआ ये कि पीछे से उनकी गाड़ी टकराई है और बस उन्होंने मारना चालू कर दिया, गाली दी है, मेंटल टॉर्चर किया है, वहाँ पे थाने में ले जाकर काफ़ी बहुत मारा है, बहुत मारा है इन लोगों को। एक माँ, दोनों बच्चों की माँ आई है साथ में, इनसे पूछ लेते हैं कि माँ यहाँ क्या करने आई, क्या न्याय मांगने आई है, क्या नाम है आपका, यहाँ क्यों आई? सर मेरा नाम पूनम आर्या है। मैंने जब हमारा बच्चा जब गया था पिज़्ज़ा एम, बच्चा पार्टी करने गया था कि पार्टी से हम सामान लेके आएंगे, हम घर बैठेंगे, हम लोगों ने बच्चों को फ़ोन किए, बच्चों के 1.5 घंटे तक फ़ोन बजते रहे, इन्होंने हमसे बात नहीं कराई। उसके बाद जब बच्चे को मैंने मैसेज किया नमन कहाँ हो व्हाट्सएप पे, उसके बाद तुरंत इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद हम लोग की हालत ख़राब हो गई कि माँ बाप क्या करें। हमने तुरंत इन्होंने बोला अपने भाई को, क्योंकि अभिषेक के फादर नहीं है, उन्होंने अपने माँ भाई को बोला कि आप जाइए अभिषेक। उनके दिमाग में ये आया कि मैं गोविंद नगर थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने के, हमारे बच्चे 2 घंटे से मिसिंग है। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये इन्होंने देखा कि बच्चे दोनों अंदर बैठे हैं, और उससे पहले जब हमने ये बात जब आपसे उनसे बोली कि आप बच्चों का बता देते हमें, तो उन्होंने कहा पहले हम 2-2.5 घंटे अपना तो पहले देख लेते, मतलब आप ये देख क्या लेते, आप बच्चों को इन्फॉर्म तो हम आपको कर सकते हैं ना कि बच्चे आपके थाने में हैं, आपने ये इन्फॉर्म तक नहीं किया हमें। बच्चे के मामा भी आए हैं कि उसके पिता नहीं है, ये रोते हुए बता रहे हैं, आंसुओं में देखे हैं, आंसुओं में सहित आपको पुलिस की नाजायज पिटाई वाली तासीर देखने को मिल जाए। क्या नाम है आपका, क्या हुआ है बच्चों, क्या चाहते हैं, यहाँ क्यों आए? मेरा नाम जितेंद्र गोयल है सर। जब मेरी बहन का 9 बजे मेरे पास फोन आया कि भैया वो 7:30 से निकला है, अभी तक आया नहीं, उसका फोन भी सोचा अब जा रहा है, तो मैं फजलगंज हमारा ऑफिस में वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं गोविंद नगर थाना होते हो, चलो कहीं ऐसा कहीं टक्कर हो गई हो या कुछ भी हुआ, एक्सप्लाइज तो मैं गोविंद नगर, दोनों को बच्चों को हवालात में सर डाले हुए थे। हमने देखा मैं क्या हुआ, कह रहे सर और हमको ने पूछा तो कह रहे उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया। सर आपको ये लगता है बच्चे हाथ उठा सकते हैं पुलिस वालों के ऊपर? आपको लगता है कि पुलिस जेल भी वहाँ अदालत में पेश हो गए हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, जरा सी बात में पुलिस चाहे तो कार्रवाई चालान कर सकती थी, मारपीट कर से बच सकती थी ना? सर बच सकती थी, हमने उनके जितेंद्र सर के जब हमको पता चला तो भाई इन लोगों से बात नहीं करने दे रहे थे हमको, तो मैंने उनके पैर भी छुए, हमने कहा जितेंद्र सर तो मेरा कह रहे हैं हरिया नहीं तो मैं तुझको भी जंतर कर दूंगा,
सर इस तरीके से अगर ये पुलिस करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको इतना आज यहाँ किस पे पास आए? क्या कमिश्नर साहब से मिलने आए? मैं मिल के जाऊंगा यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो हम लोग यही बाहर अपने क्षेत्र में धरना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक मामा का दर्द है क्योंकि उनके बहनों ही नहीं है, मामा ही इन बच्चों को पाल रहे थे। इन बच्चों की सूरत भी देखिए, देखने में शायद आपको पढ़ने वाले लग रहे होंगे। इनका कोई पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद अभी आगे मुझे मैनेजमेंट भी करना था। अभी आपको लगता है कि आपका करियर तबाह हो गया? हाँ। इसकी छवि क्या बनी है आपके नज़र में देखा जाए? ये सब अपना काम देखते हैं, इनको कोई जनता के उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इनको बस अपनी कोई गुंडाई दिखानी होती है और कुछ नहीं है। आप चाहे सर, आप लोग अगर बजट पे डरे, ये दो छात्र हैं, बीएससी कर रहे हैं, इसके बाद शायद बीटेक करते, इंजीनियर बनते, सपना यही पाले थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सिर्फ गाली लड़ने पर सिपाहियों ने इनके साथ मारपीट की है, पूरे शरीर को काला कर दिया है, वो शायद पुलिस ने अपनी स्वच्छ हो रही छवि में ही काला धब्बा लगाया है। देखिए, आज अभी ऑफिस में जो एक छात्र आए थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये गोविंद नगर में परसों की बात है, ये कहीं से जा रहे होंगे तो बाइक का आपस में लड़ने के ऊपर विवाद हुआ था, जिसमें इनको थाने पर लाया गया था और एक दरोगा के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर कि उनके द्वारा इनकी पिटाई उठाई की गई है, जिसके लिए सीपी सर के द्वारा भी इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसीपी बाबू करवा करेंगे और जो दरोगा हैं संबंधित उनको भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो के और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। आखिर अधिकारियों को भी गौर करना चाहिए, पुलिस अगर इस तरह राह चलते लड़ती हुई गाड़ियों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ इस तरह मारपीट करेगी तो पुलिस की छवि ही खराब होगी। लोग वैसे ही पुलिस से बचते हैं, आने वाले समय में ऐसा न हो लोग पुलिस का नाम सुन के ही घरों में कैद हो जाएं। रंजय सिंह, कानपुर तक।